हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बेहद ही खास अपडेट। जी हाँ, आज हम हमारे इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी करंट अफेयर प्रश्न उत्तरी 22 जुलाई 2018 के विषय में। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस खास वीडियो की। तो गाइस, जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य में यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा गुजरात में यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। इस फैसले के बाद यहूदी समुदाय के लोगों को राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए तैयार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। गुजरात में यहूदियों की संख्या काफी कम है। यहूदियों के पैगंबर को मूसा के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस दौर में उनका प्रमुख राजा सोलोमन था, जिसे सुलेमान के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में ब्रिटेन के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन के विदेश मंत्री के रूप में जेरेमी हंट को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जेरेमी हंट स्वास्थ्य मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अमरनाथ यात्रा के सुखद अनुभव हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा अमरनाथ यात्रा के सुखद अनुभव हेतु साथी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविरों के बाहर रहने वाले यात्रियों को सहायता और जानकारी प्रदान करेगा। तो ये आता है आगे क्वेश्चन नंबर 4, PRSS-1 क्या है? तो इसका आंसर होगा PRSS-1 पाकिस्तान को बेचा गया चीन का पहला ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। यह किसी विदेशी खरीदार के लिए चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित किया गया 17वां उपग्रह है। इस उपग्रह का उपयोग जमीन एवं संसाधन के सर्वेक्षण, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, कृषि अनुसंधान, शहरी निर्माण और सीमा एवं सड़क क्षेत्र के लिए रिमोट सेंसिंग सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपयोगी है। जैसा क्वेश्चन नंबर 5 है, EDB क्या है? EDB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस बैंक को दिसंबर 1996 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है। इसमें कुल 67 सदस्य हैं, जिसमें से 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के हैं, जबकि बाकी 19 बाहर के हैं। ADB का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ADB का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों और भागीदारी की सहायता करना है। जैसा कि आगे आता है, MM जैकब कौन थे? तो इसका आंसर होगा MM जैकब मेघालय के पूर्व राज्यपाल थे। मुंडाकल मैथ्यू जैकब को MM जैकब के नाम से भी जाना जाता है। जैकब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा मेघालय के पूर्व गवर्नर के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हाल ही में MM जैकब का निधन हो गया है। वहीं आ गया था क्वेश्चन नंबर 7 कि रोहित शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा रोहित शर्मा का संबंध क्रिकेट से है। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं। हाल ही में रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। तो वहीं आ गया था क्वेश्चन नंबर 8, थाम लुआंग की गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा थाम लुआंग की गुफा थाईलैंड में स्थित है। हाल ही में इस गुफा में फंसे 12 बच्चों और उनके कोच को निकालने का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। जैसा कि गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 है, चीन में 2200 वर्ष पुरानी कब्रगाह कब खोजी गई थी? तो इसका आंसर होगा चीन में 2200 वर्ष पुरानी कब्रगाह 11 जुलाई 1975 में खोजी गई थी। इस कब्रगाह में सैनिकों की 3000 आदमकद मूर्तियां दफन थी। तो वहीं आगे आता है क्वेश्चन नंबर 10, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस तेजी से बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। जैसा कि दोस्तों, अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली ऐसी करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें।